प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन 9.1, पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझें। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनके मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। जो जो वैल्यूज है उसे लिख लेना चाहिए। लो, मैंने जहां फिगर बना के आपको समझा रहा हूं। जे कनकेव मिरर, तो जो ऑब्जेक्ट है जे कैंडल है, तो इसको रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू कितना होगा? 27 सेंटीमीटर। यू को हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं क्योंकि ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे है। तो पहले फिगर बना ले। ये जो इसे रखा हुआ है ना 27 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 36 सेंटीमीटर। तो एफ कितना होगा? 36 बटा 2 ही होगा, 18 सेंटीमीटर आ गया ना। तो इसमें मतलब ये दूरी पी और एफ के बीच में कितनी दूरी होगी? 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, जो कैंडल रखी है, वो सी और एफ के बीच में रखी हुई है। इसका 18 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है, तो यू है 27। तो 27 इज बिटवीन 36 एंड 18, सी और एफ के बीच में रखा। तो फिर आपको पता ही है इसका जो इमेज है इन्वर्टेड लार्ज इन साइज बिहाइंड सी बनेगा। लो, इसे रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। और ये रे डायग्राम है, जो पूछा तो ना, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जहां से रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सट्राई की प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, दूसरी रे डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, और जहां क्रॉस करके ये दोनों रेज जहां मीट करेगी बिहाइंड सी, सी जहां इसके पीछे ही मीट करेगी, तो ए डैश बी डैश इन्वर्टेड इमेज बन गया। तो ये हमने दूरी निकाल दी है। यही उसने पूछा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन, ये स्क्रीन कहां पर रखे कि ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो सी के पीछे ही आएगा, तो ये हम वी की वैल्यू निकालते हैं। वी निकालनी है हमने। लो, पहले लिख लें क्या क्या दिया है। साइज ऑफ द कैंडल एच दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, तो यू दिया हुआ है -27 ही लेंगे क्योंकि ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर है, तो नेगेटिव ही लेते हैं हमेशा, -36 सेंटीमीटर। -36 सेंटीमीटर एफ आ गया, -r/2। जी आर बटा टू एक माइनस ही लगाना ना, दो ना लगा लें, काट लो। एफ की वैल्यू आ गई -18 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे हम फार्मूला। कौन सा मिरर फार्मूला लगा के वैल्यू कट निकाल लेंगे। जी मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f। अब वैल्यू पुट करो, 1/-27 यू की वैल्यू प्लस 1/v निकाल, वी की वैल्यू निकालनी है। 1/f है, माइनस है -18, एफ की वैल्यू माइनस भी है ना, तो ये बन गया 1/-18। अब 1/v की वैल्यू निकाल लो, ये बन गया -1/18। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, +1/27। तो एलसीएम ले लो, 18 और 27 का एलसीएम निकाल लो। तो जे कैलकुलेशन होगी, 54 एलसीएम आ गया, 18 + 53 -3, 27 + 54 +2, -3 + 2 हो गया -1/54, तो 1/v, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे v = -54 सेंटीमीटर है। जो इसका इमेज शार्प इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा? -54 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में ही बनेगा। लो, अब कितना साइज बड़ा बनना उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वो हमारे पास फार्मूला है m = i/O = -v/u। लो, आई का पता नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट हमें पता है। जहां आप h/h भी लिख सकते हो, तो आई ऑब्जेक्ट का साइज हमें पता है कितना दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो कैंडल है 2.5 सेंटीमीटर, अपवर्ड था इसलिए प्लस था, -1/2
ये वी की वैल्यू -54 है, यू की वैल्यू -27, -27 ये कट गया, 27 2 54, तो आई आ गया -2 × 2.5, ये आ गया -5.0 सेंटीमीटर। तो बड़ा ही बना, तो जहाँ कितना साइज था 2.5, जहाँ आप ओ भी लिख लो कंफ्यूजन ना हो जाए, ओ इज इक्वल टू एच, तो ये बन गया -5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इन्वर्टेड बनेगा, नीचे की तरफ बनता, उसे नेगेटिव लेते ना वैल्यू। और ये लाइनें लिख लेते हैं, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर टू ऑब्टेन रियल इमेज। जो इमेज बनना है तो स्क्रीन भी यहाँ ही रखनी पड़ेगी, जितनी वैल्यू हमने निकाली है, तो जहाँ हम स्क्रीन रखेंगे, ये तो वैसे रफ फिगर है ना समझाने के लिए। तो इमेज कैसा बना, ये इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर आना, जो याद रखना है, क्योंकि इमेज इधर ही बन रहा है। ये कैसे पता चला, क्योंकि बी की वैल्यू नेगेटिव आई है, नेगेटिव ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो इधर ही बनेगा। इन्वर्टेड का भी पता लग गया, क्योंकि जहाँ नेगेटिव है, साइज बड़ा है, वो हमने कंपैरिजन कर लिया है, जहाँ 2.5 था, तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज बनेगा। जहाँ देखो, और क्वेश्चन भी पूछा है, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, अब जो कैंडल जहां है ना, इधर मूव कराई जाए आगे की तरफ, तो कहता हाउ वुड द स्क्रीन हैज टू बी मूव्ड। तो पहले तो देखना पड़ेगा भी इमेज किधर जाएगा, इमेज और दूर जाता जाएगा और साइज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी, अगर एफ के आगे जाएगा ना, तो फिर वर्चुअल इमेज बनेगा, अगर एफ पर आया तो फिर इन्फिनिटी पर चला जाएगा इमेज। ये एफ तक हम एफ से पहले पहले मूव करा सकते, तो वो स्क्रीन पर ही रहेगा। तो लिख लें लाइने, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, तो कैंडल को हम मिरर की तरफ लेके जा रहे हैं, द इमेज इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज दूर होता जाएगा, तो साइज भी बढ़ता जाएगा। सो स्क्रीन हैज टू बी मूव्ड, फिर स्क्रीन भी मूव करानी पड़ेगी ना हमें, हैज टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द अवे, हैज टू बी स्क्रीन हैज टू बी मूव्ड अवे टू ऑब्टेन शार्प इमेज, जहाँ ऐसे भी लिखते गए, सो स्क्रीन हैज टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रॉम द मिरर, मिरर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, ये लाइनें भी लिखनी हमने। जो ये कैंडल एफ से पहले मूव कर रही है, अगर कैंडल जो है वो एफ की तरफ मूव करती है, तो इमेज बढ़ता जा रहा है, इन्वर्टेड साइज उसका बढ़ रहा है, तो स्क्रीन भी पीछे मूव हो रही है। जब एफ पर आ गया तो इन्फिनिटी पर हो गया, तो जो एफ से आगे आएगा ना, तो इमेज वर्चुअल बन जाएगा, एफ के आगे मूव करेगा तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट इन साइज बनेगा। तो ये लाइन लिख लें हम कैसे, एज यू अप्रोचेज एफ वी अप्रोचेज इन्फिनिटी, फॉर यू लेस देन एफ, अगर यू है जो एफ से कम है, उसकी वैल्यू फोकल लेंथ से कम है, तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, तो इमेज वर्चुअल बनेगा।